नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो भी किसान साथी ट्रैक्टर लोन के ऊपर लेना चाहता है तो वह किस प्रकार अपने ट्रैक्टर को 100% लोन पर ले सकता है। यानी कि कोई भी किसान साथी यदि ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसको उसके ट्रैक्टर की कीमत का एक भी रुपया नहीं देना होता और वह बिना पैसे दे जीरो पेमेंट में ट्रैक्टर अपने घर पर ला सकता है और इस प्रकार वह अपने बिजनेस में कामयाब हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रकार एक ट्रैक्टर को 0 रुपये देकर अपने घर पर ले सकते हैं। तो साथियों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना तो आपको यहां से पूरी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आपका पहले कोई भी एक लोन होना चाहिए, क्योंकि आपका यदि पहले कोई लोन होता है तो वहां से बैंक वालों को ये पता चल जाता है कि यह जो कस्टमर है टाइम पर लोन को लेके और उसकी किस्तें हैं वह टाइम पर पे कर देता है, तो उसका जो सिविल ट्रैक है वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार पहले आप लोन लेने में योग्य होने चाहिए। तो इसके लिए आपका पहले किसी भी बैंक से कोई भी किसी भी प्रकार का एक लोन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वह लोन भी आपका ट्रैक्टर के ऊपर ही होना चाहिए। दूसरे अदर व्हीकल पर यदि आपने लोन लिया है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, तो वह लोन आपका ट्रैक्टर के ऊपर ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन साथियों, इसमें आपको एक गारंटर की जरूरत भी पड़ती है। वह गारंटर आपका को अप्लीकेंट होना चाहिए। को अप्लीकेंट मतलब ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। अब हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि को अप्लीकेंट ब्लड रिलेशन में क्या होता है। जैसे कि आप यदि लोन लेना चाहते हैं तो आप उसमें अप्लीकेंट माने जाते हैं और को अप्लीकेंट वह होता है जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है किसी एक मेंबर की वहां पे क्या है कि गारंटी लगती है। तो आपकी जो गारंटी देता है वह आपकी फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, तो उसको बैंक की भाषा में हम को अप्लीकेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार यदि आप टाइम पर किस्तें पे नहीं करते या फिर आप लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं तो वह आपका बैंक से लिया गया जो भी पैसा है वह आपके को अप्लीकेंट के द्वारा बैंक के द्वारा भरवा लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ट्रैक डिफॉल्टर होने के साथ साथ आपके को अप्लीकेंट का जो ट्रैक है वो भी डिफॉल्टर हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी जो गारंटी है वो आपके को अप्लीकेंट की होनी जरूरी है और वह को अप्लीकेंट आपका ब्लड रिलेशन आपकी फैमिली से ही होना चाहिए। तो साथियों, यह बात भी आप अच्छे से समझ ले। और जो आपका को अप्लीकेंट होता है या भी आपका जो गारंटर होता है उसका भी उसी सेम बैंक में कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंस या लोन पे कोई भी उसका साधन होना चाहिए। यदि उसने उस बैंक से लोन नहीं लिया है तो उसका पहले कोई भी लोन लिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि बैंक बड़े अच्छे से यह जांच करता है कि जो भी इसका को अप्लीकेंट बनने वाला है या इसका गारंटर बनने वाला है उसके गारंटर में कितना दम है। यानी कि अगर वही ऑलरेडी पहले से डिफॉल्टर है तो वह क्या उसकी गारंटी लेगा। तो इस प्रकार वह एक अच्छे ट्रैक वाला को अप्लीकेंट होना चाहिए। और साथियों, इससे पहले हमने हमारे इस चैनल पर ट्रैक्टर रिव्यू भी डाले हुए हैं और जेसीबी के रिव्यू भी डाले हुए हैं और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू भी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और आपकी भी यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें, तीसरी कंडीशन की यदि हम बात करें, तो जो भी साथी किसान साथी लोन लेना चाहता है वह पहले अपनी जमीन पर केसीसी लिया हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपको मिनिमम 1 या 2 एकड़ पर आपका केसीसी लोन होना जरूरी है। और यदि आपके पास 2 से ज़्यादा एकड़ पर भी यदि आपका केसीसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपके पास 1 या 2 किल्ले पर आपका केसीसी होना जरूरी है। तो जो भी साथी लोन पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और जीरो पेमेंट पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपका बैंक से केसीसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने केसीसी किस बैंक से करवाया है, प्राइवेट से करवाया या सरकारी से करवाया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपका सिर्फ आपकी खेती की ज़मीन के ऊपर आपका केसीसी होना जरूरी है। अब हम चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमारे किसान साथी के पास कितनी एकड़ जमीन होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप यह ट्रैक्टर लोन पर लेते हैं तो आपके पास अपनी खुद की खेत की जमीन भी होनी चाहिए। तो आपके पास मिनिमम कम से कम 10 किल्ले खेत के होने जरूरी है। यदि आपके पास 10 एकड़ से कम जमीन है तो आप 0% डाउन पेमेंट देकर ट्रैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है आपके पास 10 एकड़ जमीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
हाँ जी साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपने आपके को अप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक गारंटर भी देना होता है, और जो आप गारंटर दे रहे हैं उस गारंटर का आप ध्यान रखें कि उस गारंटर के पास भी अपने खुद के नाम उसकी खेती की जो जमीन है वो 5 एकड़ कम से कम होनी चाहिए। यदि 5 एकड़ से कम उसके पास जमीन है तो वह आपका गारंटर नहीं बन सकता। इसीलिए आप गारंटर का चूज करते समय आप ये ध्यान रखें कि उसके पास कम से कम खेती की जमीन 5 एकड़ होनी चाहिए। अब साथियों, आपको ये जो लोन मिलने वाला है यह आपका लोन रिड्यूसिंग मिलने वाला है या फ्लैट मिलने वाला है, अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, यह लोन आपको फ्लैट लोन मिलने वाला होता है, रिड्यूसिंग लोन आपको यहां से नहीं मिलता। रिड्यूसिंग लोन के लिए आपको सरकारी बैंक में अप्लाई करना पड़ता है, ओनली सरकारी बैंक ही आपको रिड्यूसिंग लोन देते हैं। अब रिड्यूसिंग और फ्लैट लोन क्या होता है, अधिक जानकारी के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे आप हमारी इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, तो वहां से आपको रिड्यूसिंग और फ्लैट लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, तो यहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ जी साथियों, आपको पता है ट्रैक्टर दो प्रकार के आते हैं, एक होता है साथियों 2-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और एक होता है 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो 2-व्हील जो ड्राइव ट्रैक्टर है, यदि आप वह लोन पे लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर तो आपका इन सभी कंडीशन के साथ 100% लोन हो जाएगा। लेकिन अदर जो दूसरा जो ट्रैक्टर है 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, उसके ऊपर आपको इन सभी कंडीशन के साथ मैक्सिमम 60% लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है, आपको यहाँ पे 100% लोन नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार आप इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप 2-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपको 0% डाउन पेमेंट के साथ आपको यह ट्रैक्टर मिल जाता है, और 4-व्हील जो ट्रैक्टर है उसके लिए आपको मिनिमम 40% या 35% आपको डाउन पेमेंट बैंक को देनी होती है, क्योंकि आपका वहां पे मैक्सिमम 60% से 65% ही लोन हो पाता है। तो साथियों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। यदि साथियों आप इन टर्म एंड कंडीशन में से किसी एक या दो कंडीशन को यदि आप पूरा नहीं कर पाते तब भी आप ट्रैक्टर लोन के ऊपर ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं कि ट्रैक्टर लोन पर कैसे ले, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रैक्टर लोन के ऊपर दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा उद्देश्य है, हम आपको ट्रैक्टर लोन के ऊपर दिला देंगे। यदि आप कंडीशन को पूरा करते हैं तो यहां से आप ट्रैक्टर ले सकते हैं 100% लोन के ऊपर, और यदि आप कंडीशन को पूरा नहीं करते तो आप उस वीडियो को वॉच करके भी ट्रैक्टर लोन पे ले सकते हैं। वहां पे आपको कितना परसेंट लोन मिलने वाला है आप उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम आपके और आपके गारंटर के जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरत है अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, आपकी अपनी पर्सनल 2 ID, उसमें एक पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, और पैन कार्ड के साथ आप आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। उसके साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होती है, और इसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि आप ITR भरते हैं तो आप ITR की फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। आप अपने सिविल रिकॉर्ड की कॉपी के साथ साथ इन सभी डॉक्यूमेंट को जहां से भी आप जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। और इसके साथ साथ आपके गारंटर के भी डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, उसकी 2 ID जिसमें उसका पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, और आप इसके साथ साथ एक आधार कार्ड या फिर दूसरा एक वोटर कार्ड, दो ID के साथ आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी भी 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपको चाहिए। और यदि आपके गारंटर का लाइसेंस बना हुआ है तो आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि यहां से आपका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस प्रकार आप अपने और अपने गारंटर के दोनों के जो सिविल रिकॉर्ड है वो भी आपको देना होता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में अपनी फाइल को लगा सकते हैं, तो यहां से आपको 100% लोन मिल जाएगा। और यदि किसी भी साथी को लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो वह हमें मैसेज कर सकता है, हम आपकी यहां से पूरी पूरी हेल्प करेंगे। और साथियों, इससे पहले हमने हमारे इस चैनल पर ट्रैक्टर रिव्यू भी डाले हुए हैं और JCB के रिव्यू भी डाले हुए हैं, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू भी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।